जो ये हिस्सा है इस पे बैठ के जो वो फोटो क्लिक की थी शादी की, बोलो लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो गर्मी काफी तेज हो गई है, लेकिन गर्मी से भी एक बड़ा टॉपिक जो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो है जेसीबी। जो सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं उनको पता भी होगा, जो जेसीबी है वो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। यानी कि आप वीडियो देखेंगे तो जेसीबी के हैं, जो टिकटॉक के वीडियोज हैं वो उस पे, फेसबुक पे, हर जगह पे आपको जेसीबी दिखेगी। यानी कि जेसीबी की खुदाई के जो वीडियोस है वो ज्यादा वायरल है। बहुत सी कॉमेडी फोटोज इस तरह से आ रही, जैसे कि लोग अपने काम छोड़कर जेसीबी देखना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं और काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यानी कितने लोग फ्री हैं अगर जेसीबी कहीं लगी हुई तो वहां देखने चले जाते हैं। हालांकि जब जेसीबी नई नई आई थी तब विलेजेस में वगैरह में अगर कहीं गई होगी तो ऐसा हुआ होगा। तो चलिए मार्केट चलते हैं, देखते हैं अगर जेसीबी हमें दिखती है तो आपको दिखाते हैं। फिर रहे थे और अभी रास्ते में हमें एक जेसीबी देखी जो हमारे बिल्कुल सामने से आ रही थी, तो हमने बाइक बैक की। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, वो देखिए वो आगे जा रही है, देखते हैं कहीं खुदाई करती है नहीं। पीछे जो जेसीबी खड़ी, चलिए आपको दिखाता हूँ ऊपर इसके क्या क्या है, कैसे चलती है वो सब बताएंगे। ड्राइवर साहब वहीं पे है। जो ये हिस्सा है इस पे बैठ के जो वो फोटो क्लिक की थी शादी की, वो इस पे बैठ के क्लिक की थी, उसके बाद जो वायरल हो गई थी वो वीडियो क्लिप। मेरा फोटो ले रहा जेसीबी साहब। हाँ, तेरी वीडियो ले रहा, वीडियो डाल देंगे यूट्यूब पर, देखिए। किस खुदाई करके आया हो आप? राठीवास। राठीवास में के हिसाब से लिया रुपये पूछा? घंटे का हिसाब है, 800 रुपये घंटे। 800 रुपये घंटे का। आजकल जेसीबी बहुत फेमस हो रही है, पता नहीं ना? ना जी ना। चलिए भाई हमको बताएंगे कि कैसे जो जेसीबी है उसको ये हैंडल करते हैं, कैसे चलाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। ये अगला लोडर का ये उठाना पड़ता आगे को। अच्छा, वो आगे का उठाने के लिए इससे? हाँ जी। अच्छा, फिर ये पिछले जाएगा, ये उठाना पड़ता ये पीछे के लिए जी। ठीक है। और ये गियर है आगे को, आगे पीछे करने का, ये आगे पीछे। हाँ, ये दोनों साइड चल जाती है ना? हाँ जी, दोनों साइड इसी गियर से। तो देखिए इसके अंदर काफी ताम झाम है, जैसे कि हमारी गाड़ी है वैसे तो नहीं है, ये दोनों साइड चलती है, इस साइड भी बैठना पड़ता है। मेरे ख्याल से चेयर घूम जाती होगी ना? हाँ जी, घूमती है यहाँ से। ये चेयर देखिए इस तरह से घूम जाती है, तो उस साइड काम करना हो तो इस साइड हो जाती है, और इस साइड काम करना हो तो इस साइड घूम जाती है। ये है जेसीबी का फंडा, मैं तो आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो चलिए अब वापस चलते घर। हुए हैं और अभी हम जाएंगे मंदिर। मैं अभी नहा के आया हूँ, थोड़ा सा काम था मॉर्निंग में, जो प्लांट्स उनको पानी दिया तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा बाल वगैरह बना लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं मंदिर में। गाय की रोटी, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि गाय को एक रोटी देते हैं, तो वो गाय देखिए किस तरह से वेट कर रही है, मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। अभी हम काफ़ी दूर है वहाँ से, लेकिन उनको पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ, तो देखिए कैसे कर रही है। देखिए जो गाय है वो अपनी तरफ देख रही है, उसको पता लग गया कि मैं आ रहा हूँ, और जैसे हम उसके नज़दीक जाएंगे वो देखना और ज़्यादा ऐसे करने लगेगी। चलिए इसको रोटी है वो दे देते हैं, अब वो छोटी है उसको भी देना है, वो कह रही है मुझे भी दो। ये वाली जब छोटी थी तब से मैं इसको भी दे रहा हूँ, तो इसलिए इसको भी आदत हो गई है, तो इन दोनों को दे के जाता हूँ। देखिए थोड़े से दाने जो है वो मैं डेली यहाँ पे डाल के जाता हूँ ऊपर, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो वेट करते हैं डेली। यहाँ पे देखिए बर्ड्स के लिए जो पानी है वो रखा है, वैसे तो यहाँ पानी का नल भी है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। दोस्तों 8 बजे के बाद ही जो है गर्म गर्म हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, और शाम को 8 बजे के बाद तक भी जो गर्म हवा है वो चलती रहती है।
जेसीबी की एक बात और मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ हुई थी। किसी ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि हम जेसीबी से जो खुदाई कर रहे थे मंदिर के पीछे, तो वहां पे हमें एक खजाना मिला है जिसमें सोने के बिस्किट निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, जो सोने के बिस्किट आप ले जाइए, हमें इतना ज्ञान नहीं है, तो हम आप बेच दीजिए, हम आपको आधे रेट में दे देंगे। यानी कि वो क्या फ्रॉड होते हैं। तो ऐसे कॉल आप में से भी काफी लोगों के पास आते होंगे। और आजकल एक फ्रॉड और चल रहा है, जैसे ही मोदी जी जीते हैं तो काफी लोगों ने ऐसे मैसेज भेजने स्टार्ट कर दिए कि मोदी जी लैपटॉप बांट रहे हैं, मोदी जी ने 2,000 रुपए दिए, मोदी ने 5,000 रुपए दिए, आप अपना ये फॉर्म फिल कीजिए और आपको मिल जाएगा, या 10 लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपको जो पेमेंट है वो मिल जाएगी। तो इस तरह के फ्रॉड से आप जरूर बचिए। आजकल ये बहुत चलता है क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की जो फ्रॉड है वो ज्यादा होते हैं, बहुत से लोग जो है ऐसे आओ भी जाते हैं। आप में से कितने लोगों को पता था कि जेसीबी पर इस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है और जेसीबी आजकल इस ट्रेंडिंग पे है? कमेंट करके बताइए किस किस को पहले से पता था इस चीज के बारे में, और किस किस ने अपने सोशल मीडिया पे जो जेसीबी की फोटो वगैरह जो है वो पोस्ट की है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो जाके अपने सोशल मीडिया पे चेक कीजिए ये चीज ट्रेंडिंग पे, या यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए जेसीबी के बारे में, तो आपको ढेर सारे वीडियो जो है वो दिख जाएंगे। अभी घर चलते हैं, घर जाके खाना खाएंगे। भैंस को भी काफी गर्मी लगती होगी, इसलिए मैंने सोचा हमारे पास एक कूलर पड़ा है तो उसको थोड़ा सा रिपेयर करने वाले हैं। ये देखिए, ये वो कूलर है जिसको रिपेयर करना है। इसकी जो नीचे की टंकी है वो गायब हो गई है, रियान लगा हुआ है यहाँ पे। लग जाएगी बेटा, उधर चलो, इसके नीचे की टंकी ठीक कराते हैं, फिर इसको जो है वहाँ भैंस के पास लगा देंगे। रियान हाय कर दो। हाय हाय, कैसे हो रियान? बोलो कैसे हो। बोलो लाइक करो। लाइक करो। सब्सक्राइब करो। ध्यान 1 2 3 सुना। बोलो 1 2 3। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी कैसे बोलते हैं? सॉरी सॉरी बोल के दिखाओ, सॉरी बोल दो। आज के व्लॉग हम यही पे एंड करते हैं, छोटा सा व्लॉग मैंने रखा है। अभी मैं खाना खाऊंगा और उसके बाद जो एडिटिंग करके वीडियो आपको पोस्ट कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आप कमेंट भी करके जरूर बताएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मम्मा एडवेंचर मेरा यूजर आईडी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। घर लेके जाओ, मोड़ लो गाड़ी को।